फिर अगेन नेक्स्ट मंथ की साइकिल रन होती है जहाँ से वापस मम्मी एक डिमांड रेस करेगी और मैं मटेरियल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझसे पूछ ले भाई हाँ। uh, के क्वेश्चंस या के पूछ को ऐसा एक्चुअल MM और FI का इंटीग्रेशन के बारे में बताओ तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली exactly इंटीग्रेट हो रहा है नौल? तो ये सारे क्वेश्चन आने आ, लाजमी है आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन तो अगर मैं वैसी बात करूँ तो फर्स्ट इज की आप कोर्स करो फिर आप किसी कोर इंडस्ट्री में ज्वाइन हो हाँ ऑडियंस uh, मुझे ये भी बोलेंगे कि यार कोर इंडस्ट्री में बहुत कम सैलरी होती है सामने सामने आपका इंटरव्यू लिया जाता है और जा, अगर आप वहां पे गिल्टी फाउंड होते हो कि यार आपने तभी ऐसी ऐसी चीजें करके आपने वो इंटरव्यू मतलब फ्रॉडुलेंट करके आपने इंटरव्यू पास किया था तो कंपनी आपके ऊपर uh, मतलब लाइबल है एक्शन लेने के लिए एमएम में जा रहा है, जा रहा रहा है 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 इंटरव्यू देने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल uh, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी स्टार्ट कहाँ से होती है क्या रहती है कंपनी कंपनी कोड फिर प्लांट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइव ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है की कि पैसा कितना मिलेगा अगर आपको नॉलेज है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपका प्रॉपर नहीं है तो एंड सॉरी आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत जरूरी है हे हाय दिव्या कैसे हो मैं ठीक हूँ आप कैसे हो मैं बहुत अच्छा आप बताओ क्या चल रहा है इस समय बस सब चल रहा है एसे पी, एसे पी ही चल रहा है तो एस एपी की बात आ गई ना तो हम एस ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये पॉडकास्ट हमारा के ऊपर होने वाला okay. है मॉड्यूल लोग समझ जाएंगे हमारी ऑडियंस समझ जाएगी कि इस मॉड्यूल पे हम बात करने वाले जाएंगे okay. आपने कहां से स्टार्ट किया कैसे जर्नी स्टार्ट की आपका कॉलेज बैकग्राउंड क्या था आपने बीटेक किया बीसी किया क्या किया था एंड उसके बाद किस टेक में आपको आना पड़ा कौन सी कंपनी ज्वाइन करी कंपनी चेंज कैसे किया आपने और डिफिकल्टीज लेवल कितना था कंपनी चेंज करने में क्या-क्या प्रॉब्लम करने करने को मिली और और बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं पहला अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा। sure, sure, sure. so, मैंने मेरी जर्नी जूनियर इंजीनियर इन वारी आई टॉक अबाउट माई एजुकेशनल बैकग्राउंड सो हैव कम्प्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन टेलीकम्युनिकेशन सो so, जैसे ही मैंने 2016 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आई गॉट अ जॉब इन वारी एनर्जीज सो इन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ जूनियर इंजीनियर और फिर वहां पे आ, काम करते वक्त आई केम टू नो अबाउट एस सो so, उससे पहले एज एन मैं तभी मैं कोर इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो बींग अ फ्रेशर एंड एवरी थिंग यू डोंट नो एग्जैक्टली कि आपको क्या चाहिए रहता है तो इसीलिए आई वॉज अब इट कन्फ्यूज कि मुझे करना क्या है मेरा जो प्रोजेक्ट था 2016 में मेरा जो मेजर प्रोजेक्ट था वो था मोबाइल डेवलपमेंट में सो आई वॉज लाइक आई देन स्टार्टेड डेवलपिंग समथिंग लाइक अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डेवलपमेंट साइड तो मैंने सोचा कि यार लेट्स कंटिन्यू टू दैट बट फिर मुझे जब जॉब अपॉर्चुनिटी आई तो आई ग्रैप्ड इट बिकॉज तभी इट वॉज काइंड ऑफ अ रिसेशन टाइप तो जॉब्स वैसे भी बहुत कम थी yeah. तो देन वी लाइक वी देन थॉट ऑफ गिविंग अ ट्राई कि चलो कोर इंडस्ट्री में जाके देखते हैं देन वेन आई स्टार्टेड वर्किंग देन आई केम टू नो अबाउट एसीपी फिर जब एसी पर मैं काम करने लगी तो स्टार्टिंग में मेरा तो काम एक्चुअली था पीओ क्रिएट करना परचेस ऑर्डर्स क्रिएट करना मीगो गुड्ड रिसीट करना एंड एवरी लेकिन फिर धीरे धीरे uh, uh, मैं स्टोर साइड में भी देखने लगी जैसे गुड्ड रिसीट हो गया गुड्स इशू हो गया तो तभी आई स्टार्ट डेवलपिंग दोज लाइक लाइकिंग फॉर एस तो फिर मैंने तभी साइड बाई साइड मेरा कोर्स कंप्लीट किया एस का

लाइक कंटिन्यूअसली फोकस ऑन वॉट आई वॉन्ट टू डू तो माई पैशन आई डेवलपिंग फॉर एस एपी तो मैंने और अच्छी स्किल अपने की कोशिश की एंड देन जून टू थाउजेंड सेवेंटीन में आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब फिर बाद में मैंने स्टार्ट किया वापस स्किल अप करना एंड देन माई अल्टीमेट गोल वॉज टू गेट गेट अ जॉब इन माई हैंड बिफोर दिवाली तो दिवाली एट दैट टाइम था ऑक्टोबर में तो uh, दिवाली अभी टू तो डेज पे है एंड बिफोर दैट आई डिट हैड एनी थिंग आई वॉज जस्ट लाइक मैंने इंटरव्यूज बहुत जगह पे दिए थे इन्फोसिस में दिए थे और विप्रो में दिए थे आई वॉज बिट क्यूरियस कि यार मैं मतलब मेरा जो गोल है मैं कैसे अचीव इफ आई डोंट गेट अ कॉल एंड ऑल तो तभी फिर मैंने uh, मतलब वैसे ही बाय लक बोलो या फिर बाय माय डेडिकेशन एंड एवरीथिंग आई क्लियर द इंटरव्यू इन इन्फोसिस और इन्फोसिस uh, में इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आई गॉट अ कॉल कि दो दिन पहले दिवाली के दो दिन पहले ही आई गॉट अ कॉल सो आई वाज वेरी हैप्पी और उन लोग ने मेरे को पैकेज भी गुड मतलब गुड uh, अमाउंट ही दिया था बीइंग वन ईयर लाइक आई हैड ओनली वन ईयर एक्सपीरियंस डेट टू एंड यूजर लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अच्छा पैकेज दिया देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद इन्फोसिस तो इन्फोसिस के साथ uh, बींग यू लाइक यू बींग माई कलीग यू you were like into security और मैं एमएम में थी तो एलवन पॉइंट फाइव डेस्क में संभाल रही थी एज इन टिकट हैंडलिंग एंड एवरी थिंग तो या वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस जो क्रूशल एक्सपीरियंस बोलते हैं वो बोल सकते हैं जो मुझे मिला तभी एंड देन वहाँ से मेरी जर्नी uh, एक्चुअली शुरू हुई कोने प्रोजेक्ट uh, से कि जहाँ पे मैंने uh, सारी चीजें सीखी कि फॉर्म लेआउट्स एंड ऑल उनके साथ कैसे काम करते हैं फिर रिलीज स्ट्रैटेजी के साथ कैसे काम करते हैं एंड ऑल तब से पहले मेरे पास एक्सपीरियंस था लेकिन एंड यूजर का लेकिन जो कॉन्फिग्रेशनल चीज रहती है एज अ कंसल्टेंट मैंने फिर uh, कोने से सीखना शुरू की तो इट बिकेम माई स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस यू कैन से तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग फिर अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब जून ट्वेंटी ट्वेंटी में मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी एक, uh, मिला एक्सेंचर के साथ तो आई डिसाइडेड टू मूव वन आफ्टर टू पॉइंट फाइव ईयर्स फिर जब मैं एक्सेंचर के साथ काम करने लगी बींग लॉकडाउन आई वॉज नॉट एबल टू गो टू ऑफिस तो मेरा घर से ही सब चला बट या yeah, uh, मेरे जो कुलीग्स थे दे वर सपोर्टिव टू मी एंड आफ्टर टू पॉइंट फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एम एम मुझे वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली अरीवा के साथ काम करने की एस ए पी अरीवा डाउन स्ट्रीम वेर इन वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जहां पर मैंने स्टार्ट किया काम करना उसके ऊपर अलॉन्ग विथ एस ए पी एम एम कि uh, मतलब दोनों चीजें एक साथ मेरे साथ चलती गई चलती गई एंड इट वॉज क्वाइट गुड इनफ और फिर लाइक द वर्क दैट आई वॉज डूइंग आई सपोज दैट माई माई सीनियर्स लव इट और विद इन वन ईयर आई हैड माई आई हैड माई प्रोमोशन इन माई हैंड आई वॉज प्रमोटेड टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीनियर एनालिस्ट जब मैंने ज्वाइन किया था तभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिस्ट थी फिर मुझे सीनियर एनालिस्ट का पोस्ट दिया था और हाइक भी हैंडसेम ही मिली थी उसमें उस टाइम बट कोविड कोविड वॉज ट्रकिन द सेकेंड वेव एंड एवरीथिंग इट लाइक माई फिनेशियल स्टेबिलिटी वॉज गोइंग डाउन हिल सो आई है वेरी हार्श डिशीजन टू लीव एक्सेंचर बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ गुड सैलरी आउट तो या तो मुझे मेरे प्रिवियस ऑर्गनाइजेशन ने ये किया अप्रोच किया एंड देन आई सार्टेड वर्किंग विथ इन्फोसिस अगेन दिस टाइम फॉर प्रोजेक्ट कॉल्ड सीमेंट्स सो सीमेंट्स में मैं काम करने लगी एक्चुअली डील्स इन रिन्यूएबल रिसोर्सेस तो वहां पे मुझे फिर वापस से अपॉर्चुनिटी uh, मिली एल uh, ई सीखने की एस ए पी एली दैट इज लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन वेर इन वहां पे मेरा काम एक्चुअली कस्टम अनाउंसमेंट का था मतलब आई वॉज इन डू अ प्रोजेक्ट

So <laughs> मतलब आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है SAP MM में and अभी SAP में अभी आपने एस ए पी अरेबिया पे भी काम yes. कर रखा है मतलब तीनों टैक में आपको अच्छे से नॉलेज okay. है तो डेफिनेटली आपको पैकेज भी अच्छा खासा मिलता होगा बट हाँ एक चीज़ आपने बताया था एंड यूजर और कंसल्टेंट हमारी ऑडियंस को कंफ्यूज हो गए होंगे उन्हें पता नहीं रहता कि एंड यूजर और कंसल्टेंट में डिफ्रेंसेस क्या होते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओगे श्योर श्योर अभी अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो एंड uh, यूजर वो होता है जो आपको uh... सपोज आप एक मोबाइल फोन लेने गए तो यू गो टू शॉप या फिर आप एमेजोन से आ, मंगाते हो तो अमेजोन से जब वो मोबाइल आता है तो वो बंदा जो मतलब एज अ एंड यूजर आपको वो चीज़ देके जाता है वो आपको टेक्निकल specifications नहीं बताएगा या फिर आपको कोई इश्यू आया मोबाइल में तो वो आपको बता नहीं पाएगा तो दिस इज कॉल्ड एंड यूजर जो ऊपर ऊपर से मतलब जो प्रोसेस है वो फॉलो करता है लेकिन वो प्रोसेस फॉलो करते टाइम अगर इफ़ यू गोट स्टक कि अब अब मैं पर्चेस ऑर्डर क्रिएट कर रही हूँ परचेस ऑर्डर में मुझे इश्यू आ गया कि यार

बट उनको कन्फ्यूजन है कि यार एस ए पी एम एम में जाना ही क्यों है आप एस ए पी एम एम बहुत सालों से काम कर रहे हो एक रीजन बताओ कि ऑडियंस के लिए जो फ्रेशर हैं या फिर अपनी टैग चेंज करना चाहते हैं वो एस ए पी एमएम क्यों सिलेक्ट करें हाँ हा। एक क्या रीजन हो सकता है कि यार ये एस ए एम एम आपके लिए बहुत सही है फ्यूचर में आपके लिए डिमांड रहेगी और हाँ हाँ इससे हाँ। आपके ना फ्यूचर भी सही रहेगा आपको ग्रोथ भी अच्छी खासी होगी एक रीजन बताओ अभी अगर रीजन्स की बात करूं तो रीजन देर आर मल्टीपल रीजन लेकिन एक रीजन आ, एक रीज़न है जो बहुत प्रमिनेंट रीजन ये है कि जब आप आ, उसके ऊपर काम करने लगते हो एज इन की एस एपी एम एम पे एस एपी एम एम इल्फ बहुत ल, वास्ट मॉड्यूल है अगर आप बात करो बाकी के मॉड्यूल्स की जैसे पीपी हो गया या एस डी हो गया एस डी ऑल्सो एज अ वास्ट मॉड्यूल लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली प्रोक्योरमेंट बैकग्राउंड से आते हो या फिर एज अ फ्रेशर इफ यू ज्वाइनिंग अ कंपनी और अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हो एज इन एस ए पी के ऊपर काम कर रहे हो तो क्या मतलब एस ए पी के ऊपर काम करते टाइम अगर आप कॉमर्स uh, बैकग्राउंड e, uh, से नहीं हो तो फिर एफ आई uh, आपको नहीं जचेगा यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन एफ आई क्योंकि वहाँ पे ledgers and all, सब आती है जो बेसिकली एक जो एफ आई का बंदा है वही कर सकता है मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि यू कैन नॉट बट इट वुड बी डिफिकल्ट लेकिन अगर मैं एमएम MM की बात करूं मटेरियल मैनेजमेंट की बात करूं तो जो सिंपल सा रीजन है कि एक रीजन आपने जो मुझे पूछा तो वो ये है कि एमएम MM समझने में बहुत ईजी है कि आप Uh, समझ भी बहुत जल्दी जाते हो और आप उसके ऊपर काम भी करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हो ये मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी तक मैंने अराउंड सेवेंटी टू एटी स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन uh, किया है आउट ऑफ विच फिफ्टी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रेशर्स तो मैं उनके ऊपर से बता सकती हूँ क्योंकि उन्होंने वो चीजें की है जो मैंने सिखाई है और वो अभी अच्छे पोजिशन पे है कि जहा एक बंदा लाइक अगर मैं एग्जाम्पल देने की बात करूं तो एक बंदा था जिसने ऑलरेडी एस डी कर चुका था और वो एस डी में कर रहा था काम बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल इनफ तो उसने फिर सोचा कि मैं एमएम MM भी करूँगा क्रॉस फंक्शनल करके तो उन्होंने एम MM एम किया और आज वो एमएम MM के ऊपर एमएम MM के बलबूते में हैंडसम पैकेज ले रहे हैं क्योंकि एमएम MM उतना ईजी है समझने के लिए अगर मैं बाकी कंपेयर करूँ दूसरे मॉड्यूल्स के साथ तो ओके okay. एस पी एम की बात करते हैं तो उसमें काम क्या होता है एक्चुअल काम क्या करने का होता है डेली बेसिस पे और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना जिससे लोग रिलेट कर पाए जैसे आप कोई तैयारी कर रहा है जैसे सपोज मैं तैयारी कर रहा हूँ एस पी की मैं एस पी पढ़ना स्टार्ट कर ओ, दिया है तो कुछ टर्म्स होते हैं ना कि हाँ ये टर्म्स मैंने अच्छा मैंने पॉडकास्ट में सुना गौरव के में कि हाँ ये वाले टर्म्स होते हैं तो दिमाग में आ जाते पिक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाती है ओके हाँ ये वाले हमने यूज़ करने हैं ये भी हमें पढ़ना है ये भी सीखना है तो कैस क्या डेली बेसिस पे क्या काम होता है एस ए में ओके अगर मैं वैसे बात करूं अगर डेली यूसेज ऑफ एम एम अगर मैं बात करू लेन लैंग्वेज में आई गो कि अभी जैसे आ, टेक एग्जाम्पल ऑफ योर होम कि आप घर में हो तो इफ सपोज योर मॉम इज अउस वाइफ तो वो क्या करेगी शील प्रिपेयर अ लिस्ट की ग्रोसरी में से मुझे ये ये चीजें लानी है ठीक है तो यहाँ पे शुरू होता है डिमांड्स लाइक एस एपी एम एम स्टार्ट विद डिमांड एंड एंड डिमांड तो यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड आती है मम्मी की तरफ से तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री रिक्विजिट लाइक रिक्वेस्ट आती है कि परचेस रिक्वेस्ट कि ये ये चीजें खत्म हो गई है तो ये मंगानी है तो ये जब आप मंगाते हो तभी वो रिक्वेस्ट क्रिएट होती है फिर वो परचेस रिक्वेस्ट आप देते हो आपके पापा को मतलब आपकी मम्मी देगी आपके पापा को तो आपके पापा वो चीजें देखेंगे कि यार इसमें से कौन सी चीज है जो इम्पोर्टेंट uh, है कौन सी चीज है जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो सारी चीजें टिक मार्क करेंगे फिर अकॉर्डिंगली वो वेंडर मतलब वेंडर एज एन की वो एक तो फिर सुपर शॉप में जाएंगे मतलब वैसे डी हो, हो गया या फिर कुछ और हो गया या फिर कोई भी चीज तो वहां पे वो चीज लेके जाएंगे तो वो क्या होता है कि वो जो ऑर्डर है वो उनको प्लेस करेंगे तो वो देखेंगे चीजें कि पहले तो पापा बोलेंगे यार मुझे पूरा लिस्ट दो कि कौन सी चीज कितने की है मतलब हाउ मच डज इट कॉस्ट तो वो होता है कोटेशन कि रिक्वेस्ट वो कोटेशन आपके पापा क्या करेंगे कि कोटेशन मांगेंगे कि, कि यार इन चीजों का भाव क्या है तो वो कोटेशन लेके फिर वो टैली करेंगे कि यार ये बजट में बैठ रहा है कि नहीं या फिर ये सब तो अगर वो बजट में बैठ रहा है तो फिर वो क्या करेंगे कि कि वो लिस्ट देंगे कि भाई साहब ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए तो फिर तभी वेंडर क्या करेगा एज इन जो शॉप uh, का ओनर है वो क्या करेगा वो सारी चीजें लाके आपको देगा तो आप वो चीजें लेंगे और वो आप घर लेके जाओगे तो फिर वरना आप जब घर लेके आते हो तो उसको बोलते हैं गुड्स रिसीव करना यानी रिसीविंग ऑफ गुड्स तो वो गुड्स रिसीव हो जाते हैं फिर आपकी मम्मी टैली करती हाँ। है तो ये टाइम पे क्या होता है कि इनवॉइस वेरीफाई होता है एज इनकी जो इनवॉइस शॉप ओनर ने दिया है वो और सारी चीजें जो आपने लिस्ट में लिखी है वो आई है कि नहीं फिजिकली तो ये सारी चीजें होती है इनवॉइस वेरिफिकेशन जो आपकी मम्मी करती है फिर आपकी मम्मी जब वो पूरा इनवॉइस वेरीफाई कर लेगी कि यार हाँ सारी चीजें आ चुकी है नाउ वी आर गुड टू गो कि आप अपन अभी हम लोग उसे पेमेंट कर सकते हैं तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि मम्मीओ का या पापाओं का उन पर्टिकुलर शॉप ओनर्स के साथ ऑलरेडी एक अकाउंट चलता रहता है तो आ, कि यार मैं आपको पंद्रह दिन में सैलरी होने के बाद दे दूंगा तो वो होते पेमेंट टर्म्स की यार मैं पंद्रह दिन में लौटा दूंगा या थर्टी डेज का पेमेंट होता है तो उनको बोलते हैं पेमेंट टर्म्स तो वो पेमेंट टर्म्स के हिसाब से फिर आप उस उन लोग मतलब उन शॉप ओनर को वो मतलब पैसे दे देते हो तो यहाँ पे क्या होता है इनवॉयस सेटलमेंट मतलब आप जब पैसे दे देते हो तो इसको बोलते हैं एस टर्म में इनवॉयस सेटलमेंट और फिर इनवॉयस सेटल होने के बाद वहां पे वो साइकिल रुक जाती है फिर अगेन नेक्स्ट मंथ की साइकिल रन होती है जहां से वापस मम्मी एक डिमांड रेस करेगी और फिर ये पूरा साइकिल वापस घूमेगा तो ये लेमन लैंग्वेज में एस एपी एमएम का मीनिंग है कि एग्जैक्टली exactly हम एमएम MM में क्या करते हैं ओके okay. काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने एंड सीरियसली मतलब मेरी ऑडियंस अगर सुनना चाहिए ना पॉडकास्ट को डेफिनेटली उनको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे वैसे भी ना अगर हम ऐसे भी एमएम का नाम लेते हैं तो एमएम मतलब मटेरियल मैनेजमेंट जो भी मटेरियल है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है उसका मतलब ही वही होता है एंड अभी आपने जो डिस्क्राइब किया है ना सारी चीज़ें समझाई है तो उससे डेफिनेटली सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे अच्छा जब भी कोई ऐसे भी एमएम में जाना चाहता है तो ऐसा नहीं है मोस्टली कंपनियां क्या करती है ना बोलती चलो ऐसे भी एमएम का बंदा चाहिए हमें बट वो और भी चीजें पूछ लेती हैं कि यार तो जो ना फी भी आनी चाहिए थोड़ी सी तो काम चल जाएगा हमारा हाँ। या फिर देखो सिक्योरिटी भी थोड़ा बहुत आना चाहिए या एच भी थोड़ा बहुत आना चाहिए ऐसा कुछ एक्चुअल में होता है या नहीं होता है कि मैं मटेरियल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझसे पूछ ले भाई एच के क्वेश्चन या फीको के भी क्वेश्चन पूछ ले ऐसा एक्चुअल होता है एक्चुअली uh, क्या होता है ना कि ऐसे क्वेश्चन जब इंटरव्यू में अगर आपको इंटरव्यूअर पूछ रहा है ना तो वो स्किल uh, के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछता है जैसे अभी, अभी मुझे एक्सपीरियंस है सेवन प्लस तो ये सारे क्वेश्चन मतलब जो एकदम डिफिकल्ट टर्म्स नहीं पूछेंगे इंटरव्यूअर को भी पता है कि यार ये बंदा अगर एमएम MM में तो एमएम MM से रिलेटेड जो को मॉड्यूल्स है या सब मॉड्यूल्स है उनका उनको उसको नॉलेज होगा लेकिन जब वो इंसान मतलब जो इंटरव्यूअर अगर आपको एमएम MM से रिलेटेड आई से रिलेटेड या एस से रिलेटेड पूछ रहा है तो श्योरली वो इंटीग्रेशन uh, रिलेटेड ही पूछेगा कि इंटीग्रेशन कैसे होता है एमएम MM के अंदर एस से एफ का इंटीग्रेशन होता है जहाँ की uh, सारे जीएल अकाउंट्स कॉस्ट सेंटर्स सारे पिक्चर में आते हैं वैसे ही अगर मैं बात करूं के uh, के साथ के साथ तो सेल्स ऑर्डर्स वगैरह जो रहती है उनसे रिलेटेड सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें इंटरव्यूअर uh, पूछ सकता है तो ये सारी क्वेश्चन uh, आना uh, लाजमी है कि आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार एमएम MM और एफ का इंटीग्रेशन के बारे में बताओ तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली exactly इंटीग्रेट हो रहा है एंड ऑल तो ये सारे क्वेश्चन आने uh, लाजमी है आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन और डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस स्केल यू आर गिविंग द इंटरव्यू अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि किसडी और एमएम के इंटीग्रेशन को क्या बोलते तो इट इज अगर वो एस डी एफ आई का इंटीग्रेशन है तो उसे क्या बोलते हैं तो ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन तो उसमें एक्जैक्टली exactly हम करते क्या है तो हम लोग उसमें अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस मटेरियल ग्रुप्स और कंपनी कोड को एक साथ आ, ये करते हैं कंबाइन करते हैं बैक एंड में कॉन्फिगरेशन के टाइम ताकि प्रॉफिट सेंटर या फिर जीएल अकाउंट जिसमें ये पर्टिकुलर जो मटेरियल uh, है उसका जो वैल्यू है मतलब इस परचेस ऑर्डर का जो वैल्यू है वो वहां पे uh, हिट होना चाहिए तो अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें वैसे ही पूछे जाएंगे लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस स्केल बढ़ेगा वैसे वैसे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोवाइडेड uh, कि आप वो जो क्वेश्चन है मतलब जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं तो वो भी आंसर आप कैसे दे रहे हो मतलब कि uh, जैसे आपकी प्रोफिशंसी कितनी है आपको पहले वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यार आपकी प्रोफिशंसी कितनी है आपको आपने इस पे काम किया है क्या कि अगर आप हाँ बोलोगे तभी वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन मोस्टली अगर मैं ऐसे डायरेक्ट अगर मैं एज अ इंटरव्यू हूँ मैं डायरेक्टली आपको नहीं पूछ सकती कि यार एस का इंटीग्रेशन बताओ अच्छा तुम्हें नहीं पता तो फिर आप सिलेक्ट नहीं हो ऐसा okay. तो नहीं होता अच्छा जो ऐसे पे एम में जाना चाहता है तो स्टार्ट कहाँ से करें लाइक होता नहीं कि यार मुझे कोई पता ही नहीं है कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है यूट्यूब पे वीडियोस से हो जाएगा या फिर कोई कोर्स हाँ, करना मुझे पड़ेगा कि हाँ यार ये कोर्स कर लो क्योंकि यार होता क्या है ना जैसे अब यूट्यूब पे कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि यार पूरा कोर्स नहीं होता कुछ चीज, कुछ चीज़ें हैं उस पर पे कुछ चीज़ें नहीं है तो या फिर कोई कोर्स कर लो तो पूरा एक डिजाइंड होता है पूरा कोर्स की यहाँ से एक पॉइंट से आपको स्टार्ट करेंगे दूसरा पॉइंट आपका एंड पॉइंट होगा जहाँ पे सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा पूरी साइकिल में बट यूट्यूब पे क्या कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं कुछ चीज़ें नहीं मिल रही एक प्रॉपर वे में नहीं होता फैसल से बहुत सारी मेरी जो ऑडियंस और जो लोग अदर मतलब डोमेन से ऐसे पेमें जाना चाहते हैं तो उनको ये डिफिकल्टीज कैसे फेस करनी पड़ेगी कि कहाँ से स्टार्ट करें यूट्यूब से या फिर कोई कोर्स ले लें क्योंकि

तो फिर मैं तो बोलूंगी कि फर्स्ट स्टेप आपको ये है कि आप पहले मार्केट स्टडी करो कि एग्जैक्टली exactly अभी एमएम MM का मार्केट ओपन है कि नहीं और अगर वैसे भी आपको नहीं मतलब बहुत सारी लोगों को जमता नहीं है मतलब वो मार्केट को रीड कैसे करे तो इट्स ओके okay, उसमें भी कोई इशू नहीं है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो है एस एम MM का कोर्स करना और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोर्स एज इन की सर्टिफाइड कोर्स करो क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे मेरे कोलिग्स थे जो एस सर्टिफिकेशन करके मेरे साथ इंटरव्यूज दे रहे थे लेकिन आ, क्या मतलब एस सर्टिफिकेशन आपको ये सर्टिफाई नहीं करता कि यार आपको सारी चीजें पता है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बाद ही आपको पता चलेगी तो पता नहीं ऑडियंस मुझसे अग्री करेगी या नहीं लेकिन हाँ मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मुझे एस ए पी में आ, मतलब एस समझने के लिए आ, इजी पड़ा मैं एज अ कंसल्टेंट क्योंकि मैंने ऑलरेडी एज ए यूजर काम किया था अगर मैं एंड यूजर की बात करूं तो कोर इंडस्ट्री जहां पे एस यूज हो रहा है एक्चुअली तो अगर आप वैसी कोर इंडस्ट्री में एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो एटलीस्ट एक साल का या डेढ़ साल का एक्सपीरियंस ले रहे हो एस पे काम कर रहे हो तो जब आप बाहर आई इंडस्ट्री में एज अ कंसल्टेंट अप्लाई करते हो ना तो आपके वो चीजें बहुत इजी और सिंपल हो जाती है क्योंकि आपने ऑलरेडी इस सिस्टम पूरा छान चुका है मतलब आपने वो चीजें यूज की है डे टू डे लाइफ में और फिर आप वो चीजों का पीछे बैक एंड में कॉन्फिग्रेशन कर रहे हो या रीजन ढूंढ रहे हो कि यार ये चीज क्यों नहीं हो पा रही है करके तो अगर मैं वैसी बात करूं तो फर्स्ट uh, इज कि आप कोर्स करो फिर आप किसी कोर इंडस्ट्री में ज्वाइन हो हाँ ऑडियंस uh, मुझे ये भी बोलेंगे कि यार कोर इंडस्ट्री में बहुत कम सैलरी होती है तो अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यार अगर आप सैलरी को फॉरमोस्ट इस पे रख रहे हो ना तो आई डोंट थिंक कि आपको है ना एसएपी इज गोइंग टू टेक एनी अगर आप एसएपी सीखने का ये मोटो अगर रखोगे ना तो पैसे ऑटोमेटिकली आएंगे आप अगर डेस्परेट हो कि नहीं यार मुझे एसी एमएम MMM में तो करियर करना ही है बी एड अभी फिलहाल थोड़ा कम है लेकिन धीरे धीरे वो चीजें ग्रेजुअली इंक्रीज होगी अगर आप ऐसे पी एमएम को मोटो रखोगे ना तो आई एम श्योर कि पैसे साथ में आएंगे ही और ये मैं पर्सनल ग्रोथ और एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ तो या मैं वही बोलूँगी कि एज अ फ्रेशर अगर आप चालू कर रहे हो तो फिर आप सर्टिफिकेशन के लिए प्लीज मत जाओ प्लीज और आप कोर इंडस्ट्री में काम करो एंड देन एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आने के बाद आप आई टी में उतरो और आईटी में भी ऐसे है कि जो लोग अपने मतलब आईटी इंडस्ट्री भी अभी इतना आपको सपोर्ट करती है कि जहां पे आप एज अ फ्रेशर चार पांच लाख का सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो तो उस जगह पे आपको वो कोर्स आपको टू लाख में हो जाएगा आफ्टर यू आईटी इंडस्ट्री तो या दिस इज वॉट आई कैन सी अबाउट अगर किसी को जैसे कोर्स स्टार्ट करना है कि यूट्यूब से करे या कोई पेड कोर्स ले ले या नॉर्मल अगर फ्रेशर्स को ये कि थोड़ा बहुत एमएम के बारे में थोड़े आपको टर्म्स पता चल जाएगा

उस पर्टिकुलर कंपनी के कैंपस में बुला के फिर इंटरव्यू होते थे तो देर वॉज नो चांस कि आप कुछ चीटिंग uh, uh, कर पाए या फिर यू you नो know, कि लैपटॉप uh, चल रहा है और आप मोबाइल में क्वेश्चन सर्च करके आप वो आंसर दे रहे हो तो पहले वो नहीं होता था लेकिन अभी फिलहाल ऐसा बहुत बहुत केसेस हो रहे हैं जहां पे आपको कुछ आता नहीं है लेकिन यू आर जो लेकिन यू ज्वाइन द कंपनी क्योंकि इंटरव्यूअर को आपका इंटरव्यू बहुत पसंद आया था लेकिन इट वुड नॉट टेक यू एनी वे क्योंकि एट द एंड जब आप काम करना शुरू करोगे ना पहले पंद्रह दिन तो गोल्डन पीरियड होता है जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है लेकिन जब एक्चुअल काम चालू होता है तब uh, सामने वाले को समझ में आने लगता है कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है जो चीजें जिस चीजों की वजह से मैंने इनको, इसको लिया था इस बंदे को लिया था वो चीजें तो इसको आती ही नहीं है मतलब इसको ट्रेनिंग देने के बाद भी ये चीजें नहीं आ रही है तो तब टर्मिनेशन के चांसेस रहते हैं तब फिर आपका एक इंटरव्यू वापिस टेक्निकल इंटरव्यू होता है जहां पे सामने सामने आपका इंटरव्यू लिया जाता है और जा, अगर आप वहां पे गिल्टी फाउंड होते हो कि यार आपने तभी ऐसे ऐसी चीजें करके आपने वो इंटरव्यू मतलब फ्रॉडुलेंट करके आपने इंटरव्यू पास किया था तो कंपनी आपके ऊपर uh, मतलब लाइबल है एक्शंस लेने के लिए एंड फिर वो आपको टर्मिनेट भी कर सकती है ऑन इमीडिएट एक्शन तो मैं तो सजेस्ट uh, करूंगी लोगों को कि प्लीज ऐसा मत करो कि यार थोड़ा सा पढ़ लिया एंड गिव द इंटरव्यू क्योंकि एट द एंड आपको उसमें से कोई नॉलेज मिलने वाला है नहीं आपका रेप्यूटेशन खराब होगा okay, वो अच्छा मतलब अगर किसी को के क्वेश्चंस लाइक इंटरव्यूज देने हैं में जा रहा है इंटरव्यू देने जा रहा है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मतलब लेवल क्या रहता है हार्ड होता है कि मीडियम रहता है कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ओके वो ना इंटरव्यू के ऊपर इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है हाँ। और दूसरा मतलब आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है अभी अगर आप एज अ फ्रेशर या फिर एक दो साल का एक्सपीरियंस है आप वो लेके अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशनल uh, स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी स्टार्ट कहां से होती है हर क्या रहती है कंपनी कंपनी कोड फिर प्लांट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल फिर रिलीज uh, स्ट्रेटेजी क्या होती है डिफरेंस बिटवीन विथ एंड विदाउट रिलीज स्ट्रेटेजी फिर स्पेशल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कौन से कौन से होते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जीरो टू टू ईर्स के एक्सपीरियंस वालों को पूछे जाती है मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन कि यार uh, ये इंटीग्रेशन क्या है फिर इसका मीनिंग क्या है इसको कॉन्फिगर कैसे करते हैं लेकिन जैसे आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो सीनियोरिटी लेवल आ जाती है जब आप 3, तीन साल क्रॉस करते हो तो थ्री प्लस एक्सपीरियंस वालों को क्वेश्चन भी वैसे ही फेंके है जाते हैं कि यार सपोज uh, कि uh, मैंने एक पीओ uh, क्रिएट किया है कंसाइनमेंट पीओ है ठीक है कंसाइनमेंट पीओ है उसमें मैंने आइटम कैटेगरी दी नहीं है और मुझे एक रिलीज स्ट्रेटेजी उसके लिए क्रिएट करनी है और मुझे आ, ऐसे मतलब प्राइस को कंस्ट्रेंट रखना है रिलीज स्ट्रैटेजी में अब अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आपको ये पता रहता है कि कंसाइनमेंट प्रोसेस जो होती है उसमें पीओ में वैल्यू नहीं आती क्योंकि वो, वो अपने प्रीमाइसिस में पड़ता है लेकिन वो रहता वेंडर का लाइबिलिटी है तो तभी पीओ में प्राइस डिस्प्ले नहीं होती तो दिस टाइम आप क्या करोगे कि वो पर्टिकुलर पीओ में आपको रिलीज स्ट्रेटेजी चाहिए आ, कीपिंग प्राइस एज अ वेरिएंट तो इस टाइम पे कस्टम अनाउंसमेंट आती है जहां पे हम लोग टेबल्स ज्वाइन करेंगे और फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जब जब कंसाइनमेंट पीओ क्रिएट हो रहा है तब तब सिस्टम ने बैकएंड में जाके आ, ये चेक करना चाहिए इन्फो रिकॉर्ड चेक करना चाहिए और वहां से जो प्राइस है उस हिसाब से रिलीज स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी चाहिए तो ये सारी चीजें होती है वैसे वैसे जैसे जैसे आपका प्रोफिशंसी लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाते हैं okay. वो सारा फिर एक्सपीरियंस पे आके डिपेंड होता है कि आप एक्सपीरियंस कितना मतलब एक्सपीरियंस कितना है और आपने कितना काम किया है डेफिनेटली yeah, ऐसे ईयर का एक्सपीरियंस होता है तो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फोर ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो डिफिकल्टी लेवल्स तो इंक्रीज होना ही होना है मतलब और भी नहीं, सिस्टम्स नहीं। आपके इंक्लूड हो जाते हैं क्योंकि आप पे जिम्मेदारी बढ़ रही है अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं आपको ऐसे भी एमएम का ही काम दें फिर ऐसा भी नहीं हो ऐसा भी होता है कंपनीज में जैसे आपका डेजिग्नेशन इंक्रीज हो रही है आईटी कंपनीज की मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट में नहीं आपको दो दो प्रोजेक्ट में कभी काम करना पड़ेगा यहाँ पे भी दे रहे हो आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी काम करने को मिल रहा है एक्चुअल में होता है मैंने सुना भी है और मुझे लगा कि मेरे को भी ये जिम्मेदारी मिलने वाली बट उससे पहले मैंने कंपनी तो अच्छा, कि मैं, पैसा कितना नहीं। मिलता नहीं। है फाइव ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है कि पैसा कितना मिलेगा हाँ फ्यूचर ग्रोथ अगर बात करूँ अगर पांच साल के एक्सपीरियंस के बंदे की बात करूँ तो ऐसा प्रेडिक्ट कर सकती यार इतना मिलेगा Uh, वो एट द एंड ना आप कैसे इंटरव्यू कितना स्मार्टली हैंडल कर रहे हो ना उसके ऊपर डिपेंड करता है और उनकी अर्जेंसी पर डिपेंड करता है लेकिन अगर मैं वैसे भी बात करूँ तो क्या होता है ना कि अभी फिलहाल तो क्या हो रहा है कि आपका अपस्किलिंग बहुत जरूरी है मतलब सिर्फ एमएम MM करके कोई ये नहीं है आप एमएम MM के साथ कौन सा मतलब सब कौन से सब मॉड्यूल पे काम कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जैसे भी मैं स्टार्टिंग में एम एम पे काम कर रही थी जब मैं इंफोसिस uh, में थी कोने के लिए काम कर रही थी तो तभी मैं सिर्फ एस ए पी एमएम पे काम कर रही थी लेकिन जब मैं ऐसे पी सॉरी एक्सेंचर के साथ काम करने लग गई तभी मुझे अरीबा आ, अरीबा डाउन स्ट्रीम मिला था मतलब मुझे उसके ऊपर ट्रेनिंग दी गई थी और मैं उसके ऊपर काम कर रही थी तो वैसे डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और कैसे आप उसको टैकल कर रहे हो तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ समझो अगर आपके पास एमएम मॉड्यूल के साथ एक सब मॉड्यूल भी आपने कर रखा है और उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हो भी है सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज नहीं लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है उन चीजों का तो भी अगर मैं अभी के market standards के हिसाब से बात करूँ तो अराउंड अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अराउंड आपको 15 LPA तक तो मिल सकता है, for sure. okay, 15 LPA come... और काफी growth... अच्छा है

तो सॉरी आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत जरूरी है है एक क्वेश्चन मेरा मतलब बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि यार M. M. में जाता रहा मेरे को सब कुछ आता है यार मेरे को जॉब नहीं मिल रही मैं ना अप्लाई कर रहा हूँ बट मेरे को कोई रेफरल नहीं मिल रहा कहाँ से अप्लाई करूँ कहाँ पे मुझे अपना रिज्यूम सेट करना चाहिए लिंक के थ्रू नौकरी डॉट कॉम के थ्रू या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म है या फिर डायरेक्ट मैं कंपनी की साइट पे जाऊँ वहाँ पे जाके अप्लाई करूँ आपने कैसे किया था मैं अगर मेरी बात करूँ ना मैं बहुत डेस्परेट थी और मैं ये बोलने में बिल्कुल हिचकिचाती नहीं या शर्माती नहीं हूँ कि मैं डेस्परेट बहुत थी कि मुझे तो चाहिए मतलब चाहिए तो मैंने हर जगह पे मतलब शाइन इंडीड फिर नौकरी डॉट कॉम फिर सारे पोर्टल्स पे मतलब एज अ फ्रेशर आपको बहुत तकलीफ होगी स्टार्टिंग में अप्लाई करने के लिए आई एम दम श्योर और बहुत सारे लकी भी होते हैं कि उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू के कॉल्स वगैरह आ जाते हैं इंटरव्यू का कॉल आना भी बहुत बड़ी बात होती है लेकिन हाँ अगर मैं वैसी बात करूँ ना तो फिर आपका नौकरी प्रोफाइल आपका एनडी प्रोफाइल लिंकड पे आपके कनेक्शन ये बहुत मैटर करते हैं और लोग जो बोलते हैं कि यार मेरा मतलब मेरे कॉल्स नहीं आ रहे इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आ रहे ये सब ये सब चीजें तब होती है ना क्योंकि किसी भी बंदे को एच आर हो या कोई भी हो वो है ना हर रिज्यूमर जाके ना डायरेक्टली चेक नहीं करता मतलब uh, जाके पढ़ेगा एंड ऑल ऐसा नहीं करता क्योंकि उनके पास थाउजेंड ऑफ रेज्यूमर्स आते हैं तो ये टाइम पे ना वो लोग अल्गोरिदम लगाते हैं बहुत पर्टिकुलर वर्ड्स uh, होते हैं उन वर्ड्स के हिसाब से वो लोग है ना सर्च uh, करते हैं और फिर uh, देखते हैं कि भाई आपको उतना एक्सपीरियंस है कि नहीं है तो uh, क्या होता है ना कि आपको कीवर्ड्स वैसे यूज करना बहुत जरूरी है अभी अगर आप नौकरी डॉट कॉम पे हो और नौकरी डॉट कॉम पे आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यार उन लोगों ने अपने नौकरी मतलब नौकरी में जो एड डाली है वेकेंसी की तो उसमें कौन से कौन से कीवर्ड्स यूज हुए हैं और वही कीवर्ड्स अगर आपने अपने रिज्यूमे में डाले हुए हैं तो आपको वो कॉल आने से कोई नहीं रोक सकता या फिर उनका मेल आ जाएगा कि यू आर बी सिलेक्टेड प्लीज अपलोड लाइक प्लीज क्रिएट प्रोफाइल इन आर पोर्टल एंड ऑल तो ये सारी चीजें होती है अभी मैं वही करती थी इट इज अ स्मार्ट वे टू वर्क बिकॉज आजकल सब कुछ डिजिटल uh, हो गया है तो नीड टू सर्च नीड टू बी रैपिड इनफ कि यार इसमें ना एस एपी एम और एफ का इंटीग्रेशन के बारे में इन लोग ने बात की है तो वो कीवर्ड आपके रेज्यूमर में होना बहुत जरूरी है मैं ये फ्रेशर्स की नहीं मैं ये लैटरल्स uh, की बात कर रही हूँ एज एन एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कि ये सारी चीजें जो है ना वर्डिंग्स वो बहुत मैटर करती है और अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूँ तो मैंने जैसे पहले भी बताया और अभी भी वही बताऊंगी कि यू शुड स्टार्ट स्मॉल यू शुड स्टार्ट वर्किंग फॉर अ कोर इंडस्ट्री और अ कंपनी विच इज अ स्टार्टअप एंड ऑल धीरे धीरे फिर यू ग्रेजुअली इंक्रीज अगर आप डायरेक्टली बोलोगे यार नहीं मुझे तो इन्फोसिस में ही चाहिए मुझे तो इतना ही पैकेज चाहिए तो इट वुड क्रिएट डिफिकल्टीज तो या ये मैं बोल सकती हूँ कि दिस वुड हेल्प ओके एंड थैंक यू सो मच दिव्या मतलब इस पॉडकास्ट से हमारी ऑडियंस को काफी हेल्प मिली होगी लाइक like, बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि भैया एस ए एम के लिए पॉडकास्ट लेके आओ ऐसे भी फीको के लिए पॉडकास्ट लेके आओ क्योंकि एक्चुअल में लोग जाना चाहते हैं और गाइडेंस मिलना बहुत टफ होता है लाइक लोगों को नहीं पता होता कैसे स्टार्ट करें इवन मैं भी हूँ तो मुझे नहीं पता होगा यार मुझे ऐसे पी एमएम में जाऊँ तो कैसे जाऊँ क्योंकि यार कोई गाइड कर देता ना कि प्लेटफॉर्म बताता है कि यहाँ से स्टार्ट कर देख ये, ये ये चीज़ें करनी पड़ती हैं ये ये डिफिकल्टीज होती हैं और डिफिकल्टीज बताना भी जरूरी है क्योंकि या? यार ऐसा तो नहीं सारी चीज़ें ईजिली आपको मिल जाए जहाँ पैसा मिलेगा ना वहाँ पर डिफिकल्टीज तो होंगी ही exactly. होंगी तो आपको चाहे आप टैग चेंज, चेंज कर रहे हो चाहे आप कंपनी चेंज कर रहे हो डिफ़िकल्टीज होती हैं क्योंकि भाई आपको पैसा मिलेगा अच्छा खासा भड़के ही मिलेगा कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा तो वहाँ डिफिकल्टी फेस करने को मिलेंगी एंड दिव्या से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं दिव्या ने नाइसली सारे एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से आंसर दिया है होपफुली आप लोगों को भी काफ़ी इंटरेस्ट लगा होगा ये पॉडकास्ट एंड आप लोगों को भी काफी हेल्प मिली होगी इस पॉडकास्ट से एंड थैंक यू सो मच दिव्या वंस अगेन गौरव मुझे एक एक बात ये करनी थी इसके साथ तो बतानी थी आपको कि मतलब मैं सिर्फ आपके ऑडियंस को मतलब जो पॉडकास्ट देखेंगे उनको सिर्फ एक ही बात बताऊंगी कि जब तक आप बेशरम नहीं होते ना तब तक आपकी कोई भी बातें कंप्लीट नहीं होगी जितना आप बेशरम रहोगे कि यार मुझे ये जम नहीं रहा है आई नीड टू गेट इन टच विथ समीनियर और समथिंग लाइक दैट अगर आप ये नहीं करते ना तो आप वहीं पे अटके रहोगे आप है ना ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ये सोचोगे कि यार मैं पूछूंगा तो कितना स्टूपिड लगूंगा या कितना स्टूपिड लगूंगी ऐसा कुछ नहीं होता सब लोग को सब कुछ नहीं आता सिंपल से सिंपल चीज हो जो आपको नहीं जम रही है ना ट्राई टू गूगल इट अगर गूगल भी नहीं आपको यूजफुल हो रहा है ना तो कोलिग्स के साथ बैठो उनसे समझो कि यार ये चीजें क्या है अभी मैंने आईबीएम बी एम चार ही महीने हुए ज्वाइन किया है बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं पता जो शायद लोगों को लगे यार ये बहुत तो ये बहुत ईजीएस्ट थिंग है तो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है जो तुमने पूछा है लेकिन आई हैव अ हैबिट ऑफ आस्किंग क्योंकि वही चीजें मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगी और आ, मतलब वही चीजें मुझे आगे चल के वो एक्सपीरियंस रहेगा कि यार नहीं ये ये चीजें ऐसी है वैसी है तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि यार बेशरम बनो सारे क्वेश्चन पूछा करो जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना ही आपका अपस्किल आप होता रहेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं भाई होना जरूरी है क्योंकि तुम्हें सीखने को मिल रहा है तो मैं उससे, तुम्हारी चीजों में कुछ चीजें जो होने वाली है थैंक यू सो मच वन दिव्या मतलब अपना टाइम देने के लिए क्योंकि मैं समझ सकता हूँ यार एक बच्चा साथ में होना एंड ऑफिस करना एंड हमारे पॉडकास्ट पे आना हमारी ऑडियंस को गाइड करना सारी चीजें बताना बहुत टफ होता है आपको दिव्या से कनेक्ट होना है, तो लिंक इन में के नीचे कर दूंगा डिस्क्रिप्शन uh, में मेंशन कर दूंगा आप वहाँ से दिव्या से कनेक्ट हो सकते हो कोई भी डाउट होगा एस ए पी से रिलेटेड आप उनको पिन कर देना और नीचे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना तो दिव्या जब भी टाइम मिलेगा दिव्या को तो वो यहाँ पे भी रिप्लाई कर देंगे है ना दिव्या ओके थैंक यू सो मच दिव्या बाय ओके बाय बाय ऑल